let's give an energetic and warm welcome to the one and only Kanchan Keshri ji. इनके हस्बैंड भी है यहाँ पर और इनकी बेटी भी आई हुई है. आई गेस नर्वसनेस की वजह से मैं हेलो बोलना भूल गई आपको. आपके हस्बैंड से और आपकी बेटी से भी मैं हेलो करना चाहूंगा. आप भी ज्यादातर वीडियोस में आते हैं आई थिंक, राइट? यस सर. और आप तो स्टार है ही, आपकी वजह से इन दोनों का जाना चल रहा है. सबसे पहली बात तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपके सामने बैठना ही बहुत बड़ी बात है. हम जब वीडियोस में देखते हैं तो हर किसी के मन में आएगा, आप सबके भी मन में रहता होगा कि कभी हम भी यहाँ पर बैठें. और वहाँ आने का ख्याल था, कभी वहाँ आने की सोची थी मैंने भी कि मैं भी कोशिश करूँगी वहाँ आ सकूँ. और बाय गॉड्स ग्रेस एंड आई गेस आप ही की वजह से यहाँ पर आज मैं बैठी हूँ और आप सबके प्यार की वजह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ. थैंक यू सो मच. में इन्होंने अपना चैनल शुरू किया था, उसके बाद में कई और चैनल्स भी आपने शुरू करे. हाँ जी. तो सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर इनके करीब 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अभी तक और 1 बिलियन से ऊपर व्यूज हो चुके हैं. तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो अब मैं आपको बताया तो शॉर्ट में आज इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी में बात करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, बट द थिंग इज कि हम चाहे चाहें या ना चाहें इंग्लिश बहुत जगह पे यूज होती है. जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो ज्यादातर इंग्लिश में होता है. बहुत जगह पे आप जाते हैं जहां पे इंग्लिश में लोग बात करते हैं तो अगर उसमें हम कंफर्टेबल नहीं हैं तो वहां पे हम कॉन्शियस हो जाते हैं. और हो सकता है वो जॉब आप डिजर्व करते हो लेकिन आपको सिर्फ इस वजह से नहीं मिल पा रही है क्योंकि आप इंग्लिश ढंग से नहीं बोल पा रहे हो या इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. तो द क्वेश्चन इज कि ऐसा कैसे हो कि आप इंग्लिश कॉन्फिडेंस से बोल सको. और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में हैं, आई एम श्योर बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के माइंड में, तो वो आप इनसे पूछ सकते हैं बिकॉज शी इज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड. इन्होंने एमए किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में. ये बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड कर पाएंगे. बीच बीच में मैं भी थोड़ा बहुत बीच में बोलता रहूंगा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग. मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे माइंड में, जैसे हम किसी कई बार मिरर के सामने हम इंग्लिश बोलते हैं, वो कई बार फोन के वीडियो कॉल लगा के हम अपने आप को देख के बोलते हैं इंग्लिश, किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है या किसी से बात करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए. वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे माइंड में तो चल रहा होता है कि वो हम सही बोल रहे हैं, माइंड में हमारे ट्रांसलेट हो रहा है वो कि हमें ये बोलना है, लेकिन वो मुंह पे नहीं आ पाता है. सो कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्राई दैट? एटलीस्ट वन मंथ है वो. जो आपके माइंड में चल रहा है जब तक वो बाहर ना आ जाए तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है. जैसे आप जो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं, हम क्यों कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं? मतलब ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि हम एक भी दिन बिना हिंदी बोले रह जाए, कभी नहीं होता है. बट हम कई सारे दिन स्किप कर देते हैं बिना इंग्लिश बोले. हमें ये होता है कि अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके 2-3 दिन पहले हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं, राइट? तो वो गलत है. अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है, जब आपको पता ही है कि आपको जॉब पाने के लिए इंटरव्यू देना है, सो व्हाई नॉट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टुडे इटसेल्फ? तो जब आपके मन में आया कि ये करना है तब से आपको शुरू कर देना चाहिए. सो ये चीज़ तब तक कीजिए जब तक कि वो चीज़ जो आपके माइंड में है वो बाहर ना आ जाए, वो आप बोल ना पाए. और इंटरव्यूज में भी क्या होता है कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट आपसे पूछेंगे, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, कैसे भी इंटरव्यू हो. जैसे सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ये तो कॉमन है. तो जब आपको पता है सामने से क्वेश्चन आने ही वाला है तो क्यों ना उसकी पहले से तैयारी कर ली जाए. एक चीज़ तो आप एक सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपसे डायरेक्टली किसी ने पूछ लिया टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सो यू कैन स्टार्ट विद द ग्रीटिंग और अकॉर्डिंग टू द टाइम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, एंड देन मेंशन योर नेम. तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स आप तैयार कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसको आप तैयार कर ले कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ आएगा तो मुझे ये बोलना है. क्योंकि वहाँ अगर आप फंबल करने लगते हैं तो फिर इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता. कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. जैसे आप मेरे से पूछो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, गूगल कर लो. मैं एक बार सीरियसली पूछो. हाँ सीरियसली, आपने तो सीरियसली पूछा था, मैंने सीरियसली जवाब नहीं दिया था. मैं सीरियसली जवाब देता हूँ. सो संदीप महेश्वरी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टेल मी समथिंग अबाउट माई सेल्फ. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद फिल इन द ब्लैंक्स. सही लग रहा है?
यानी शुरुआत हमेशा करो कॉम्प्लीमेंट से। जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट देते हो सामने वाले को, जो इंटरव्यूअर है, तो उनको बेटर फील होता है, उनको अच्छा फील होता है। आप सीधा बोलना शुरू कर दोगे तो आपने उनकी अटेंशन तो ग्रैब करी नहीं है, अब बोलते चले जा रहे हो, अब सुबह से रात तक वो 100 इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ऑलवेज स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद अ कॉम्प्लीमेंट, फिर चाहे वो जॉब का इंटरव्यू हो या कहीं डेट वेट पे जा रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला कि हेलो सर, मैडम बोल सकते हो अगर वो इंटरव्यू है तो, और अगर डेट पे जा रहे हो तो हाय थोड़ा बेटर लगेगा आई थिंक। या ऑफ कोर्स, वहां पे भी कॉम्प्लीमेंट से शुरुआत करो, हाय व्हाट अ ड्रेस यू आर वेयरिंग। तो पहला पार्ट है कॉम्प्लीमेंट, दूसरा आपने कहा कि उसको स्टेप्स में डिवाइड कर दो। या अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं अच्छे से, लाइक वहां पे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस माइंड ब्लैंक हो जाता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको प्रिपरेशन करके ही जाना चाहिए। अगर आप सोचें कि पहली बार जाते हैं आप, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पे और होना भी चाहिए, बट बिना प्रिपरेशन के कॉन्फिडेंस जो कहलाता है वो ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है। उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक बार करो, दो बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो, फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि वो मुँह से फ्लो में निकलने लग जाएगा। जैसे मैं बोलता नहीं हूँ जब भी कोई गेस्ट आते हैं, लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली, रट गया। हेलो सर, हेलो मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग जब हिंदी में बोलते हैं तो इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, बट जब इंग्लिश में बोलते हैं तो पहले हम हिंदी में सोचते हैं और फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में और फिर बोलते हैं, तो हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, तो मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन था। ये जो ट्रांसलेशन होता है ये इनिशियल लेवल पे होता है, जब आप शुरुआत करते हैं तो इट्स बट ऑब्वियस कि आपको उसी के थ्रू जाना है, बिकॉज हमने बचपन से इंग्लिश उस तरीके से नहीं सीखी, माहौल नहीं रहा है, तो शुरुआत में आपको जो ट्रांसलेशन हो रहा है कोई बात नहीं, वैसे ही कर करके एटलीस्ट बोलिए। अगर आप बोलना बंद कर दोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो मैं हमेशा ये बोलूँगी कि आपको बोलते रहना है, जितना हो सकता है, जितना कर पा रहे हैं उतना आप बोलते रहिए, धीरे धीरे करके वो चीज़ वैसे ही डेवलप होती जाती है। मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी, तभी वो काम हो पाएगा, राइट, बिना उसके नहीं हो पाएगा। स्कूल में जैसे टीचर्स हमें बोलते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश मूवीज़ देखो, इंग्लिश बुक्स पढ़ो, तो जब बुक्स पढ़ने बैठते हैं, मूवीज़ देखते बैठते हैं, तो सारा फोकस वर्ड्स पे चला जाता है, सब टाइटल्स पे चला जाता है, फिर लास्ट में देखते हैं मूवी किस बारे में थी। तो ये क्वेश्चन था कि कैसे हम इंग्लिश भी सीखें साथ में और स्टोरी भी अगर किसी को बतानी हो तो वो भी बता सके। व्हाई डोंट वी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, एक मूवी को 3 बार देखें आप। मैं हमेशा ये कहती हूँ कंटेंट ज़्यादा नहीं आपको कंज्यूम करना है, आप कम ही कंटेंट को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उससे क्या होगा, रेपिटेशन, आप सभी को पता है कि हम रिपीट करते हैं जो भी चीज़, जब भी हम कोई भी चीज़ रिव्यू करते हैं, रिवाइज करते हैं, वही चीज़ सेट होती है। हम एग्ज़ाम्स में क्यों एक दिन पहले बैठ के क्रैमिंग करना शुरू करते हैं, वी ट्राई टू मग अप एवरीथिंग, हमने पहले भी पढ़ा है, बट वो जब दोबारा पढ़ते हैं तो हम एग्ज़ाम में लिख के भी आते हैं, अच्छा लिख के आते हैं। ऑफ कोर्स अगर एक दिन पहले ना पढ़े तो नहीं होता है, क्योंकि हमने एक बार पढ़ा है, दोबारा नहीं गए थे वापस, तो हम रिव्यू करते हैं एग्ज़ाम से पहले। द सेम वे मूवी अगर आप देख रहे हो तो आप पहली बार उसको सबटाइटल्स के साथ देखो, ठीक है, बट दोबारा उसी मूवी को आपको सबटाइटल्स ऑफ करके देखना चाहिए, ताकि अब उन वर्ड्स पर आप फोकस करेंगे जो वर्ड्स आप पहले सुन चुके हैं। अब जब आप उसे सुनेंगे, क्योंकि पहली बार तो इंग्लिश मूवी आई गेस किसी ने भी शुरू की होगी तो ये लगा होगा क्या बकवास है, कुछ आ नहीं रहा समझ में, तो इसके ज़रिए तो मैं इंग्लिश सीखने से रहा, ये सबको लगता होगा, मुझे भी लगा था जब मैंने कहा ऐसे तो समझ ही नहीं आ रहा है, फटाफट ऐसे निकल जाता है, उनकी एक्सेंट ऐसी होती है। तो इस चीज़ को कीजिए, पहली बार आपने वैसे देखा और फिर आपको लगता है कि भाई अभी स्टोरी क्लियर नहीं हुई है मेरी, तो दोबारा देख लो, स्टोरी भी क्लियर हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। अगर मैं हिंदी की भी बात करूँ, हर एक लैंग्वेज में स्पोकन एंड रिटन अलग होते हैं। अगर आप हिंदी लिखने बैठेंगे आपको लिखना होगा कि अगर हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं मतलब, लिखने बैठेंगे अर्थात, है ना फ़र्क। द सेम वे इंग्लिश में भी है, आप जो रिटन बुक्स में पढ़ते हैं जब बोलने चलेंगे तो वो वियर्ड लगता है, वो आपको मूवीज़ में मिल जाएंगे, बहुत अच्छे फ्रेजेस मिल जाते हैं उसमें जो वर्ड्स मिलते हैं उसके लिए किसी और को आके आपको मीनिंग नहीं बतानी पड़ती कि इसका मतलब ये है, आप सीन के अकॉर्डिंग समझ जाते कि अच्छा यहाँ बोला है तो उसका मतलब ऐसे, अगर गुस्से में बोला है तो उसको गुस्से में इस टोन के साथ हमें बोलना है, प्यार से बोलना है, एक ही कई सारे ऐसे फ्रेजेस हैं इंग्लिश में, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे ये लैंग्वेज, कई सारे ऐसे फ्रेजेस हैं उनका टोन बदल दिया वो अलग हो गया, और ये हिंदी में भी हर लैंग्वेज में है, बट इंग्लिश में देखते हैं तो क्योंकि नया होता है ना तो इंटरेस्टिंग लगता है, अपनी लैंग्वेज में मुझे समझ नहीं आता बचपन से हम बोल रहे हैं, इसलिए दोबारा देखने से आप उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैप करेंगे, आप खुद यूज़ कर पाएंगे उन्हें। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही, हम क्या करते हैं
एक वेब सीरीज देखी, उसके बाद में दूसरी देखी, फिर तीसरी देखी, फिर चौथी देखी, या एक मूवी देखी बिंज वॉचिंग, राइट, एक देखी दूसरी देखी, चाहे समझ नहीं आ रहा है बस देखते चले जा रहे हैं और गुमसान की तरह वहां पे पड़े हुए हैं और देखते चले जा रहे हैं। अरे नहीं, वो ये कहना चाह रही है कि एक एक चीज को दो बार देखो, तीन बार देखो, चार बार देखो, अगर आप एक्चुअल में कुछ सीखने के लिए देख रहे हो, अगर टाइम पास के लिए देख रहे हो तो कुछ भी लगा लो, किसी भी भाषा में लगा लो, कुछ थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाएगा। जब आपने किसी चीज को टाइम दिया और पता है कि उसको थोड़ा सा और टाइम देंगे ना, थोड़ा सा और टाइम देंगे तो उससे हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, देन डू दैट। और एक छोटी सी टिप है यहाँ पर, मूवी देखने से पहले ये देख लेना कि उसकी IMDb रेटिंग क्या है, कहीं ऐसा ना हो एक बहुत ही घटिया मूवी को आप तीन बार देख रहे हो उसके बाद में आप बेहोश हो जाओ, आपको ड्रिप चढ़ानी पड़े, घर वाले कहेंगे ये क्या हो गया, इसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। तो, आप समझ रहे हो ना, जैसे हिंदी में भी कुछ मूवीज होती हैं अभी कुछ टाइम पहले रिलीज हुई हैं, अगर वैसी मूवी आप तीन बार देखोगे तो पता नहीं आप कैसे बिहेव करने लग जाओगे। जैसे हिंदी में कुछ हिट मूवीज हैं उसको तीन चार बार भी देख लोगे तो चलेगा, ऐसे इंग्लिश में कुछ बहुत अच्छी मूवीज हैं उसकी लिस्ट बना लो, फिर उन मूवीज को तीन तीन बार चार चार बार देख लो, बजाय एवरेज मूवीज को एक एक बार देखने के। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मैम आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम 1 month बिफोर एंड आई एम ऑलवेज लाइक योर ऑल वीडियो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए, आप कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेट्स गेट बिग आंसर। आफ्टर 12th आई हैड टुक इंग्लिश लिटरेचर बट आई स्टडीड इन हिंदी मीडियम स्कूल बिकॉज आई हैड अ कीन इंटरेस्ट इन इंग्लिश फ्रॉम 9th class बट नो वन वॉज गाइड टू मी दैट हाउ कैन आई कम्युनिकेट विद इन इंग्लिश। डोंट यू नो अंडरस्टिमेट योर सेल्फ बाई सेइंग कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ तो कैसे होगा, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं की है, हिंदी मीडियम से ही पढ़ा है, लेकिन जैसे आपका कीन इंटरेस्ट था वैसे ही मेरा भी था, और इसी तरीके से वन बाई वन एक एक दिन जाता है, एक एक घंटे जाते हैं, एक एक मिनट जाता है, हम पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ओवरऑल आप कभी भी लाइफ में कुछ भी अचीव करते हैं, अगर आपको लिटरेचर की बात कर रही हैं या जो कुछ भी करना है, हर चीज़ में प्रैक्टिस जाती है और वो चीज़ कम्युनिकेशन में भी जाती है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप चीज़ें सीखोगे। आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है, जैसे आपने कहा कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये भी हिंदी मीडियम से है और आज देखो लाखों लोगों को ये इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, प्लीज हैव अ सीट। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश जल्द से जल्द कैसे सीखें? इनका चैनल देखो। चैनल से हो जाएगा। मतलब आप क्या चाहते हो मैं लिख करके आपको गारंटी दूं? नो सर। हो जाना चाहिए, इनका चैनल है, ऐसे और बहुत सारे चैनल्स हैं वो आप देख सकते हैं। पहले के जमाने में YouTube नहीं होता था, आज YouTube है आपके पास में, तो वहां से सीखने को मिलेगा। यहाँ समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, यहाँ समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, प्लीज बताइए तो, जल्दी से जल्दी कैसे सीखें? जल्दी मतलब कितना जल्दी? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा? ये आप बताना, जल्दी से जल्दी का क्या मतलब है, कितनी जल्दी? 5-6 मंथ। 5-6 महीने के अंदर? आपने बहुत टाइम दे दिया, 5-6 मंथ में तो आप बहुत बहुत अच्छे इंग्लिश बोल सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, मैम मेरे पास 20 दिन है, मुझे 20 दिन में अब कुछ ऐसा करना है जिसमें इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैंने अभी तक इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं, मेरे को कुछ ऐसा बताओ जैसे कोई गोली हो दे दो खा लूँ और 20 दिन में इंग्लिश बोलना आ जाए। सबको शॉर्टकट चाहिए, सबको शॉर्टकट चाहिए। 5 महीने आई थिंक इट्स गुड इनफ टाइम, तो 5 महीने में अगर इनको सीखना है तो क्या कर सकते हैं? एज यू सेट कि चैनल फॉलो करो, बट आपके मन में एक डाउट है चैनल से हो जाएगा, आप पहले ये बताइए कि मैं सिर्फ अपने चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी जैसे आप वर्क कर रहे हो अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो संदीप सर से अच्छा आई डोंट थिंक कि आपको कोई और चैनल मिलेगा। अगर आप इस पे जाएंगे तो मोटिवेशन आपको एक एक वीडियो में मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है आप जिस सवाल का जवाब ढूंढने गए वो आपको इस वीडियो में नहीं दूसरे वीडियो में मिले, बट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं भी 5 साल से वीडियोस बना रही हूँ तो आप किसी एक वीडियो को खोल कर देखें और अगर आपके मन में ये ना आए कि मैंने यहाँ से कुछ सीखा है तो आप बताइएगा, क्योंकि मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि हर एक वीडियो में हर एक को कुछ ना कुछ नया मिलना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप जाइए, चीज़ों को अच्छे से समझिए। हालांकि एक क्वेश्चन अभी तक किसी ने पूछा, शुरुआत कहाँ से करें, लोग पूछना चाह रहे होंगे शायद यहाँ पे,
तो मेरा ये कहना है कि शुरुआत कहाँ से करने के लिए भी वीडियोज़ हैं, बट शुरुआत अभी से और आज से करना है। अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। वो हर जगह फिट बैठने के लिए वेट मत कीजिए कि अरे मैं जागूंगा तो सवेरा होएगा मेरा। तो अभी से आपको शुरुआत कर देनी है अगर आपने नहीं की है तो, और जो जहाँ है आगे बढ़ते रहना। आपको हर दिन अपने पीछे वाले एक दिन से बेहतर बनना है, आज कुछ नया सीखना है, दैट्स ऑल। ये करते जाएंगे 5 मंथ्स क्या, आप उससे जल्दी भी काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। समटाइम्स ये होता है कि हमें पता होता है हमें क्या बोलना है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करते हैं। जैसे आप हो, मेरे इंग्लिश टीचर हो, तो मेरे को पता है कि मेरे को आपसे बात करनी है, लेकिन इंग्लिश मेरे माइंड में कंटेंट भी क्रिएट है, लेकिन हेजिटेशन होती है बहुत बार। तो उसको करने के लिए देखिए, मैं अभी उन्हें मेंशन करना चाहूँगी, शी ट्राइड, शी नोज कि अभी वो बोल नहीं पा रही हैं, बट यहाँ पर उन्होंने ट्राई किया इंग्लिश में बोलने का। मैं यही कहती हूँ आपको, जब भी मौका मिले ट्राई करो। माना कि शुरू में आप पर लोग हंसेंगे, बट वही लोग आपकी तारीफ करेंगे जब आप आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि हंसने कहते हैं ना कि लोगों का काम है कहना, तो लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। आप आगे बढ़ जाओगे तो तारीफ भी होती है, कुछ लोग फिर भी पीछे से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं आपको, बट आपको अपनी कोशिश नहीं छोड़नी है। और ये जो फ्लुएंसी आती है ये प्रैक्टिस के ही थ्रू आती है, और कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर वे आउट। ये जो हेजिटेशन आपको हो रही है, ये हेजिटेशन क्यों होती है, उसके पीछे क्या रीजन है? ऑटोमेटिक सर। ऑटोमेटिक नहीं है, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, तो वो रीजन क्या है वो आपको पहले समझना होगा। रीजन क्या है आप बताइए, क्यों होती है हेजिटेशन? हिंदी बोलने में होती है? नो सर, हिंदी बोलने में नहीं होती, इंग्लिश में होती है। क्यों? क्योंकि डर लगता है कि अगर मैंने बोला तो मेरा मजाक बन जाएगा, लोग हंसेंगे। थोड़ा बहुत तो बोल ही सकते हो ना? यस सर। जैसे कुछ भी बोलना है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बोलो कुछ इंग्लिश में। मायसेल्फ साहिल, करंटली आई एम डूइंग बीटेक इन फ्रॉम आईएमसी फरीदाबाद। तो बहुत अच्छी बोली आपने, क्या दिक्कत है? लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। तो इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, बोलते रहोगे, और ये परवाह नहीं करोगे कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और आपको एक मजेदार बात बताता हूं, यहां से आप अपने दोस्तों के बीच भी फर्क कर सकते हो। दो तरह से लोग रिएक्ट करेंगे, एक है जब आप कोशिश करोगे तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे, तो समझ जाओ वो दोस्ती नकली है। ये भी बहुत जरूरी है लाइफ में सीखना कि कौन हमारा दोस्त है और कौन ये दिखा रहा है कि मैं आपका दोस्त हूं, दोनों में बड़ा फर्क होता है। यस सर। तो जब आप कोशिश करोगे तो एक होंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि कम से कम आप कोशिश तो कर रहे हो ना। जैसे अभी इन्होंने कोशिश करी तो सबने तालियां बजाई, क्योंकि सबको अंदर से अच्छा लगा कि देखो हमारा भी मन कर रहा था इस तरह से बोलने का। इंग्लिश में एक सेशन हो रहा है इंग्लिश के ऊपर, जिसमें सब हिंदी में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो एक उन्होंने कोशिश करी इंग्लिश में कुछ बोलने की, तो सबने अप्रिशिएट किया। ऐसे ही जब आप कोशिश करोगे तो दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक वो जो आपका साथ देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, दूसरे जो आपको नीचे गिराएंगे। जो नीचे गिराएंगे उनसे दूर हो जाओ। ओके सर। वो लाइफ में पूरी जिंदगी आपको नीचे गिराते रहेंगे, और जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो समझ जाओ वो आपके असली दोस्त हैं, वो आपका एक्चुअल में भला चाहते हैं, तो उनके साथ जुड़ जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू। प्लीज सर। सो मैं उधर ऑडियंस में बैठता हूं और आप लोग यहां पर आ सकते हैं, आप तीनों मिल करके जो भी करना चाहते हैं। इनको माइक दे देते हैं, मैं इधर बैठ सकता हूं? अलाउड है, कोई दिक्कत तो नहीं है। थैंक यू सो मच सर। अभी तक चैनल आपके चैनल पर देखा है, यूट्यूब में देखा है, टीवी में, बड़े बड़े टीवी में लगा के देखा है, वो उस तरफ से और इस तरफ की फीलिंग ही अलग है। मतलब मेरे हाथ कांप रहे हैं। जनरली मैं कांपता नहीं हूँ, मैं मैनेजर रहा हूँ बैंक में, मैं कभी नहीं कांपता। मुझे लगता है आप बेबाक बोलो यार, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, हंस लोगे ना, तो हंसना भी तो एक अच्छी चीज़ है, हंसो ना, कोई बात नहीं। लेकिन आज इस मंच पर मुझे शिवरिंग महसूस हो रही है, सो आई कैन फील कि जो भी यहाँ पे लोग आते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखा है यहाँ पे आते हुए, तो कई बार हमें लगता है कि यार देखो कहीं ना कहीं नर्वसनेस है। अगर कंचन भी है जैसे यहाँ पे, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट आई मस्ट से, मैं तो हमेशा देखता हूँ, बट आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो नर्वसनेस मुझे दिखी, बट आई कैन फील नाउ। सो ये मंच अपने आप में बहुत अच्छा है कि यहाँ पे आने के बाद आप शिवर हो रहे हो, मोटिवेशन से शिवर हो रहे हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। बेसिकली सर, आज से एक साल पहले लगभग कंचन ने, एक्चुअली कंचन वॉज मेकिंग सम कॉन्टेंट इन आवर स्टूडियो, तो वो बोलती यार आप लोग ना वो दूसरे कमरे में चले जाओ। मैंने कहा क्या करेंगे वहाँ, तो बोलती जाके अच्छा एक काम करो, मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड करो, आप हिंदी बोलो ये इंग्लिश बोले। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैंने कहा क्यों,
बोले नहीं नहीं करो ना, देखते हैं एक वीडियो बनेगी। हमने कहा चलो देखते हैं, और वो वीडियो हमने बनाया और मैंने वो यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया। वो वीडियो पे जब लाइक्स आने स्टार्ट हुए, लाइक्स में जब लाइक्स आए, ओ माय गॉड, तब मुझे समझ में आया यार एवरीथिंग इज पॉसिबल, आसान है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। तो अब आप प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाइए तीनों या दोनों आपस में कुछ थोड़ा बहुत, जैसे भी आप करते हैं अपनी उन शॉर्ट्स पे। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अद्विता केशवी। हम इस समय दिल्ली में हैं। वी आर इन दिल्ली टुडे। मेरी टीचर का नाम शिल्पा है। माय टीचर्स नेम इज शिल्पा मैम। वेरी गुड। मैंने सुबह आज पास्ता खाया। टुडे इन द मॉर्निंग आई ए पास्ता। मैं इंडिया में रहती हूँ। आई लिव इन इंडिया। बहुत अच्छा। अभी मुझे पता है आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा है कि काश ये हमारे माँ बाप होते हैं। संदीप सर कौन है? अच्छा संदीप सर की वीडियो देखी कभी आईडी? सर बच्चों को झूठ बोलना नहीं आता है, तो मत बुलवाओ उनसे। आई थिंक लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ संदीप सर। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, इट वाज वेरी गुड, यू वर वेरी गुड, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। इनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, हमारी फैमिली की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। आप इतनी दूर से आए हैं, थैंक यू सो मच। Thank you.